नमस्कार। ये वीडियो में हम देखेंगे किसान अब ऐप का इस्तेमाल करके किसान ने उसके खेत को जो पानी दिया है उसका हम नोंद किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको माई फार्म में जाना है। माई फार्म में आपको उसी किसानों के खेत दिखेंगे जिनको आपने सिलेक्ट किया है, मतलब आपके रूट प्लान के लिए जो किसान जो आप सुबह जाते वक्त सेटिंग ऑप्शन से सिलेक्ट करवाते हैं उनके ही खेत आपको दिखते। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये खेत पर अभी गए हैं, ये खेत पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे अब किसान ने पानी दिया है, ये भरने की इरिगेशन या अपने प्रोटोकॉल का ऑप्शन है। तो ये कैलेंडर में जाएंगे हम, और कैलेंडर में जाने के बाद यहाँ पे एक इरिगेशन नाम का ऑपरेशन आपको दिखेगा अपकमिंग, नहीं तो ओवरड्यू में। तो इरिगेशन ऑपरेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये सिग्नल गिराना है। आगे आप नोट्स में दिखा देगा कि इसका आइडियल टाइम है 1 दिसंबर का। ओके, तो किसान ने एक्चुअली ये पानी कब दिया है, तो फॉर एग्जांपल किसान बोला ये मैंने 30 तारीख को ही दिया है, सुबह 7 बजे चालू किया था, 30 तारीख को 11 बजे तक चला पानी, ठीक है। तो ये 4 घंटा उन्होंने दे दिया। उसके बाद फ़ोटो आप लेना चाहते हैं तो फ़ोटो ले सकते हैं अगर आपके सामने वो इरीगेशन चल रहा है तो, और मेक एज कम्प्लीट। तो और एक चीज़ कि जब आप प्लॉट कार्ड पर क्लिक किया, आपने ऑपरेशन में जो कैलेंडर है अपना उसमें गए और आपको अपकमिंग और ओवरड्यू में कुछ दिखाई नहीं दिया, ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें आपने कंप्लीट की है और कुछ चीज़ें अगर दिख नहीं रही है इन द सेंस क्या कि किसान ने आपके प्रोटोकॉल से ज़्यादा पानी दिया है, मतलब प्रोटोकॉल के अनुसार 6 बार है लेकिन 10-15 बार हुआ है और कुछ लोगों का अभी तक प्रोटोकॉल ऐड नहीं हुआ है, तब आपका काम रुकेगा नहीं। तब आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ झारी में क्लिक करना है, इरिगेशन ऑपरेशन करके जो है एक झारी दिया है पानी का उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे आप जिस खेत में खड़े हो वो एग्जैक्टली खेत आप पे आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने उस खेत में यहाँ स्टार्ट डेट और उसका स्टार्ट टाइम है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसी खेत को कितने बजे तक पानी चल रहा था ये आपको सेव करना है। उसके बाद ये स्प्रिंकलर से चल रहा था फ्लड से चल रहा था उस वो सिलेक्ट करना है, तो स्प्रिंकलर में किया। और जैसे चेतन जी ने हमें बताया था कि यहाँ डेप मापना हमारा मेन एजेंडा नहीं है, बस हमें क्या करना है कि टाइम और डेट ये देखना ज़रूरी है। तो जैसे चेतन जी ने बताया कि 160 mm हम स्प्रिंकलर के लिए डालते हैं, 160 आंकड़ा डालना है और सबमिट करना है। तो ये चीज़ करने से आपका वो ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो से हमने देखा कि इरिगेशन का ऑपरेशन किस प्रकार से डाल सकते हैं। 2 ऑप्शन है, एक कैलेंडर ऑपरेशन पेज से और दूसरा विदिन आपको वहाँ ही क्रिएट करना है, तो इरिगेशन नाम का एक ऑप्शन है वहाँ से आप कर सकते।